Everyone, today's topic unit 4 chapter 9 immunity introduction. Introduction, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन व फिजिकल एक्टिविटी है जो रोग या बीमारी इलनेस उत्पन्न करने से रोकती है. व्यक्ति को ये क्षमता शरीर में उपस्थित कुछ सेल्स, केमिकल्स और ऑर्गन्स द्वारा अचीव होती है. इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है. डिफिनेशन, इम्यूनिटी इज द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच रिसेस्टेस वन सेट ऑफ एनी डिजीज, एग्जाम्पल फिजिकल इलनेस. प्रतिरोध क्षमता किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता है जो कि रोग अर्थात शारीरिक बीमारी के उत्पन्न होने का प्रतिरोध करती है या रोकती है. शरीर में रोग उत्पन्न करने के निम्न कारण हो सकते हैं. देखिए, हमारी इम्यूनिटी को कौन कौन से बैक्टीरिया, क्या क्या हमारी इम्यूनिटी को कॉज करते हैं. वायरस करता है, बैक्टीरिया करता है, प्रोटोजोवा करता है और फंजाई करता है और टॉक्सिन्स. यानी बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से भी हमें टॉक्सिन हो जाता है. अब चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, ऑफ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन का निम्न प्रकार किया गया है. इम्यूनिटी फर्स्ट है नेचुरल और इननेट और एक्वायर्ड. इसमें यह व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता भी कहते हैं. अब हमारा एक्वायर्ड में आता है एक्टिव और पैसिव. अब हमारा एक्टिव में आता है नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव में आता है नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो हमारा नेचुरल में आता है यह शरीर के प्रथम बार रोगी होने से स्वतः उत्पन्न होती है, जैसे चिकन पॉक्स. अब हमारा आर्टिफिशियल में कौन कौन सा आता है, यह कृत्रिम रूप से रोग कारक से प्रथम बार शरीर का संपर्क कराकर उत्पन्न करती है. एग्जांपल इम्यूनाइजेशन, ओपीओ, ओपीटी, बीसीजी, एमएमआर एसेट्रा. ये शरीर के, अब यहाँ पर जो हमारा पैसिव है इसमें नेचुरल क्या है, ये शरीर के रोग गी होने पर माँ के शरीर से प्राप्त एंटीबायोटिक्स के कारण प्राप्त होती है, IgM. और आर्टिफिशियल में ये शरीर के कृत्रिम रूप से बनाई गई एंटीबायोटिक देकर प्रदान की जाती है, इसमें शरीर का योगदान नहीं होता है. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक. बाय बाय.